नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। भाजपा के नेता पश्चिम बंगाल में तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा हिंसा और पथराव की संभावना को देखकर पदयात्रा की योजना बनाने से डरते हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के अनुसार राज्य में तृणमूल कांग्रेस के नेता भाजपा की राह रोकने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं, इसका खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लोगों से जुड़ाव मजबूत करने के लिए पदयात्रा का सहारा लिया है। ममता बनर्जी दो दिन के लिए बीरभूमि पहुंच गए हैं। उन्होंने बाकायदा पैदल मार्च किया और इस मार्च में बाउल गायक वासुदेव दास भी शामिल हुए। बाउल गायक के ही घर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19-20 दिसंबर को की यात्रा के दौरान खाना खाया था। पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ मंत्री पार्थ चैटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी राज्य के लोगों की नेता हैं, वो किसी के भी दरवाजे पर जाकर चारपाई खींच कर बैठ सकती हैं और घर में जाकर महिलाओं से सीधा संवाद कर सकती हैं। वो गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो करने वाली नेता नहीं है। राज्य सरकार के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा कहते हैं कि भाजपा जिस झूठ का प्रचार कर रही है वो कभी सफल नहीं होगा, अभी भी उसके पास मुख्यमंत्री का चेहरा है ही नहीं। इसी के साथ अभी फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ABNN।